हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही इजी और हेल्दी टेस्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लच्छा पराठा और आलू टमाटर की टेस्टी और हेल्दी सब्जी। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम सब्जी बनाते हैं। तो चलिए सब्जी के इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 8 से 10 आलू, मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इस तरह से काट लिए हैं हमने। और 5 से 6 टमाटर हमने ली है, उसे बारीक चॉप किया है। धनिया पत्ता लिया है हमने, ये पचफोरन मैंने 1 टीस्पून ली है। 2 तेज पत्ते हमने लिए हैं, एक मीडियम साइज के प्याज को हमने इस तरह से काट लिया है, और 4 हरी मिर्च ली है हमने। और ये तेल हमने सिर्फ 1/2 कप ली है, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये हमने अपने घर में खुद तैयार किया हुआ थोड़ा सा सब्जी मसाला 1 टीस्पून लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाती हूँ आलू टमाटर की सब्जी लच्छा पराठा के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो 1/2 कप ऑयल ली थी, मस्टर्ड ऑयल हमने ली है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसमें हमने तेल ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और इसमें मैं ये तेल हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें मैं ये 2 तेज पत्ते ली हूँ उसे डालती हूँ। ये जो पचफोरन हमने ली है 1 टीस्पून, इसे हम इस तरह से डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्रैकर हो रही है हमारी। अब हम इसमें पहले ये जो हरी मिर्च हमने ली है, इसमें हम लाल मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हरी मिर्च इसे हम डाल देते हैं। यदि आप मिर्च को आप कम या बेसिक ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। यदि आप तीखा कम खाते हैं तो आप मिर्च 2 भी डाल सकते हैं, ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम 1 से 2 बार इस तरह से चला लेते हैं, ज़्यादा हमें इसे नहीं चलाना है क्योंकि ये आलू के साथ हमें इसे फ्राई करना है। बस इतना ही फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें ये जो हमने आलू काटी हुई है, इस तरह से आलू को मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया, देखिए इस तरह से, और उसकी पानी हम निकाल चुके हैं। इस तरह से हम सारे आलू को इस तरह से इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसमें आलू और प्याज को एक साथ ही भूनना है। इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। आप जितनी सब्जी लेंगे उस अपने हिसाब से आप नमक ऐड कर दीजिएगा। 1-2 बार हम इसे चलाकर ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से खोल कर देख लेते हैं। देखिए, बस हमें ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। 5 मिनट के बाद इसमें खोल कर हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। देखिए, हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च ली है। यदि आप लाल मिर्च डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, हरी मिर्च को कम कर दीजिएगा क्वांटिटी को। ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब इसे हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करके फिर हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। ये सब्जी काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार आप पराठे के साथ ज़रूर बना के देखिएगा इस रेसिपी को। एक तो हेल्दी भी है ये, इसमें तेल हमने काफ़ी कम यूज़ किए हैं, मसाले भी कम हैं, ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन जाती है। इसे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको लच्छा पराठा बनाने बताऊँगी, साथ में ये आलू की सब्ज़ी और लच्छा पराठा साथ में काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इसे रोज़ बना कर खा सकते हैं, हेल्दी भी बहुत है। इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं।
थोड़ा सा ये भून जाए, एक मिनट तक हमें इसे भून लेना है इस तरह से। एक मिनट के बाद, एक मिनट तक हम इसे ढक देते हैं, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मिनट हो चुकी है, अब हम इसे, ये मसाला हमारा हल्का भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। ये टमाटर हमने बारीक काट के रखी है, इसे हम ऐड कर देंगे इसमें और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने टमाटर को मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब्ज़ी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन जाएगी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। बस इसमें हम टमाटर को थोड़ा सा भून जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, बस इतना ही। टमाटर तो वैसे भी बारीक हमने चॉप किए, गल जाएगी। इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, आप जिस तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं उस तरह से ऐड कीजिएगा। मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, इस तरह से इसे ऐड कर देना है। मसाला हमारा ज़्यादा हमने नहीं भुना है, क्योंकि वो सब सारे ड्राई स्पाइसेस थे, इसलिए अब हमें इसे कवर कर देना इस तरह से। अब 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, 10 मिनट के बाद इसे हम खोलकर फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद हम इसे देख सकते हैं। देखिए, ये जो हमारी ग्रेवी है ये भी गाढ़ी हो गई है। इसे आलू को हमें थोड़ा सा इस तरह से ऐसे तोड़ देना है, इस तरह से। देखिए हमारी आलू पक चुकी है, कितने इसमें कम मसाले हमने डाले हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। पराठा के साथ, लच्छा पराठा के साथ इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइक की मुझे काफ़ी ज़रूरत है, मैं आपके लाइक की वजह से ही इंस्पायर होती हूँ कि और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, नई नई रेसिपी शेयर करूँ। और सब्सक्राइब की, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बगल में जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, उसे प्रेस कीजिएगा, तो मैं जो भी वीडियो ऐड करूँगी अपने चैनल में वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। ये हमारी सब्ज़ी हो चुकी है। इस तरह से हमें आलू को इस तरह से हल्का सा इस तरह से तोड़ देना है। देखिए देखिए फ्रेंड, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसमें ये जो हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, इसे ऐड कर देंगे इस तरह से। और अब हम अपना गैस बंद कर देते हैं। ये सब्जी हमारी हो चुकी है और हम इसमें ऊपर से ये धनिया पत्ती जो हमने काट के रखी हुई थी, इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। और फिर अब हम इसे पराठा, पहले हम इसके बना लेते हैं। ये सब्ज़ी हमारी हो चुकी है, अब पराठा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम इसे पराठे के साथ, लच्छा पराठा के साथ इसे सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी हो चुकी है। ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, जितनी खूबसूरत दिखने में लग रही है उतनी ही अच्छी ये खाने में और अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं पराठा बनाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आलू की सब्जी बन गई है। अब हम लच्छा पराठा के लिए, देखिए मैंने इस तरह से आटा को गूंथ लिया है। इसे ना हमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंथना है और सॉफ्ट भी, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। इस तरह का हमने आटा इस तरह से गूंथ के रख लिया है। अब हम इससे लच्छा पराठा बनाएंगे। आप बाज़ार में जो भी लच्छा पराठा आप खाते होंगे फ्रेंड्स या रेस्टोरेंट में, वो मैदे का रहता है और वो मैदा जो है शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मैदा शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मैं आटे का आपको बनाकर दिखाने जा रही हूँ लच्छा पराठा। इस पराठे को आप रोज़ खा सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बनाती हूँ आटे का लच्छा पराठा। इसके लिए हमें आटा और हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ किस तरह से इसे बनाना है।
ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस साइज की लोई बना ली है। इसे हम इसमें आटा लगा कर और इसे हम इस तरह से बेलेंगे। तरह से हमें इसे बेल लेना है। अब हम इसमें तेल लगाते हैं। इस तरह से तेल को हम हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से देखिए, ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी। देखिए हम फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। इस तरह से दोनों किनारों को इस तरह से फोल्ड करना है, हमें उंगली की मदद से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इस पर हम फिर से इस तरह से थोड़ी सी तेल हम इस पर लगा लेते हैं। उसके बाद हमें इसे इस तरह से ऐसे पकड़कर हमें इसे इस तरह से घुमाकर, देखिए फ्रेंड्स, इस वाले भाग को नीचे ले जाकर इस तरह से हमें फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं बना लेती हूँ इस तरह से। देखिए मैं एक और दिखा देती हूँ आपको बनाकर किस तरह से ये बनेंगे। आप देखिएगा फ्रेंड, जो आप बाज़ार में मैदे का लच्छा पराठा खाते हैं उससे भी ज़्यादा ये क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और इसे आप रोज़ खा सकते हैं। मैदे को तो आप, मैदे के पराठे को आप रोज़ नहीं खा सकते हैं। और जो आलू की सब्ज़ी मैंने इसके साथ बनाई है, उसके साथ ये काफ़ी टेस्टी लगती है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमें तेल को इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से फैलाकर इस तरह से हमें, ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये वाले भाग को ऊपर ले आना है। इसके ऊपर हमें फिर से थोड़ी सी तेल लगा देना है। लगाकर देखिए फ्रेंड, इसे हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से रखकर इसे आप ऐसे गोल घुमाइए इस तरह से, और ये वाली भाग को इस तरह से नीचे ले जाके इसे इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, गैस ऑन करती हूँ और बनाती हूँ। मैंने नॉन स्टिक तावा लिया है, आप चाहें तो लोहे के तावे में भी बना सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें बेल लेना है इस तरह से। थोड़ी सी आटा को लगा कर हमें इसे बेलना। बाजार वाले लोग जो बनाते हैं लच्छा पराठा, उसमें काफ़ी ऑयल होता है। मैंने ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, देखिए। और जो हमने सब्जी बनाई है आलू की, उसमें भी हमने ज़्यादा ऑयल और मसाले नहीं डाले हैं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है या आपका डिनर है, लंच है, डिनर है, आप जिसमें भी खाना चाहें खा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। इसमें तेल और मसाले मैंने काफ़ी कम डाले हैं। पराठे में भी हमने तेल काफ़ी कम यूज़ किया है। तो इस तरह से जब तक वो सीख रहा है, इसे भी हम बेल लेंगे। हल्का सा आटा लगाना है हमें, ऐसे दोनों तरफ से बेल लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इसे ऐसे हमने इसे बेल लिया। हम इसे देख लेते हैं, इसे सेक लेना है हमें अच्छी तरह से। उसके साथ, इसके बाद हम आलू की सब्जी के साथ इसे सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीख चुका है। अब हम इसके ऊपर तरह से चम्मच से थोड़ी सी तेल लगा देंगे। फिर इसे पलट कर हमें इस साइड भी तेल लगा देना है। इतना सीखने के बाद ही हमें इसमें तेल लगाना है इस तरह से। उसके बाद हम इसे इस तरह से दबा कर, देखिए इस तरह से दबा दबा कर हमें इसे सेक लेना है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत ये सीख रही है। उसके बाद मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि इसके एक एक परत अलग हो गए हैं और ये कितनी क्रिस्पी बनी है। और ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, कि हेल्दी बहुत है।
फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी आपके लिए रेसिपी बनाऊं, नई नई रेसिपी आपको के साथ शेयर करूँ। और यदि मेरी रेसिपी को आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। फ्रेंड, ये हमारा पराठा देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हो चुका है, इसे हम इस पर हटा लेते हैं और दूसरी वाली को हम इस तरह से डाल देते हैं। जब तक हमारा वो सीख रहा है मैं आपको इसे दिखाती हूँ। इसे गर्म में ही हमें इस तरह से हमें इसे तोड़ देना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इसे गरम 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 ही खाएंगे तो ज़्यादा ये अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी हर तरह से इसकी परत निकल चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी वाली को भी हम सेक लेते हैं इसी तरह से। ये भी हमारा हो चुका है, इसमें हम तेल लगा देते हैं इस तरह से। दोनों ओर से हम थोड़ी थोड़ी तेल लगा देंगे इसमें, और इसे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, मीडियम में ही सेकना है, नहीं तो ये पराठे हमारे जल जाएंगे। ये अच्छी तरह से पक जाने चाहिए, जलने नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये हमारी पराठे कितने खूबसूरत और कितनी अच्छी क्रिस्पी लग रही है। देखिए, मैं इसे भी आपको दिखा देती हूँ, तरफ से हमें और सेक लेना है। इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से हमें अच्छे से इसे पका लेना है। ये आप एक बार बना कर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये गरम गरम खाने में इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी लगती है ना कि आप दूसरे पराठे बनाना नहीं चाहेंगे इसके खाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी मैं इस तरह से आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके सारे परत अलग करके इसके भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, दोनों ओर से देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड, इसके सारे परत अलग अलग है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हुई है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं अपनी आलू की सब्जी के साथ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो सब्जी बनाई थी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। जो आलू हमने तोड़े हैं उसके चलते इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। इस पराठे के साथ आप इसे इस तरह से देखिए, इस पराठे के साथ एक बार आप खा कर देखिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हरी धनिया कुछ ऊपर डालकर इस तरह से आप इसे सर्व कीजिए पराठे के साथ। देखिए इस तरह से, यदि कोई भी गेस्ट आपके घर में आए या आप खुद भी बनाकर खाए, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा कितनी टेस्टी और कितना अच्छा इसका कॉम्बिनेशन। आप चाहें तो इसके साथ अचार और कुछ डेजर्ट भी ले सकते हैं। सेवई की रेसिपी भी, सेवई और खीर भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, पहले रेसिपी हमने बता चुकी, वो भी आप बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।